नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। तो साथियों, ये हमारा सेशन है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए लिटरेचर पोर्शन का। इस पोर्शन में हम लोग डिस्कस करें लिटरेचर के आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कंप्लीट कॉमन टॉपिक्स, जिसमें हमने सबसे पहले फिगर्स ऑफ स्पीच को लिया है, जिसमें मैं आपको 5 फिगर्स ऑफ स्पीच बता चुका हूँ, जिसके 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। और अब आज हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच का लास्ट सेशन है, जो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि हमारा कॉमन सेशन चल रहा है पहले लिटरेचर का, जिसमें हम पहले फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के ही कॉमन पोर्शन लेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंट इसके कॉमन टॉपिक पूरे होने के बाद फर्स्ट ग्रेड का सेशन अलग और सेकंड ग्रेड का सेशन हम अलग से स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में जो कि फिगर्स ऑफ स्पीच का आपका लास्ट सेशन है, इसमें आपके 3 फिगर्स ऑफ स्पीच जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो शेष बच गए थे, वो मैं आज आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो सभी इसको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से प्रिपेयर करने वाले जो कैंडिडेट है, वो अच्छे से समझे इस चीज को। बाकी जो 5 आपके जो फिगर्स ऑफ स्पीच है, उनको वो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। इसको आप अच्छे से समझे, बिल्कुल कॉमन और जिसको आप कह सकते हो सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है विद एग्जांपल्स। तो आपका 5 अपलोड होने के बाद नंबर 6 पे आता है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में ये क्या है, और अगर बात करें इसके मीनिंग की, तो इसका मतलब होता है आपके विरोधाभास। तो ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैराडॉक्स इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। इसमें 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, ये अगर आपको पूछे ऑक्सीमोरॉन जो है उसका सीधा संबंध किससे है, ऑक्सीमोरॉन जो है वो किसका काइंड है, किसका स्पेशल काइंड है ऑक्सीमोरॉन, तो आप ये अच्छे से क्लियर कर लें, ऑक्सीमोरॉन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ पैराडॉक्स। अगर बात करें पैराडॉक्स की, तो क्योंकि पैराडॉक्स आपके सिलेबस में नहीं है, पैराडॉक्स का मतलब भी आपके विरोधाभास के विरोधाभास ही है, और इसमें भी पैराडॉक्स उसको बोलते हैं जो कि बिल्कुल कॉन्ट्रेरी स्टेटमेंट होता है, लेकिन ये क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, और आपके सिलेबस में नहीं होने के कारण इसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप यही ध्यान रखें, ऑक्सीमोरॉन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ पैराडॉक्स, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर। अब ये है क्या चीज, बिल्कुल आसान है, टू अपोजिट वर्ड्स आर पुट टुगेदर means when two opposite words are put together, then it is an example of a oxymoron. जब दो विरोधाभासी शब्द एक दूसरे के साथ रखे जाएं, तो ये example होगा आपके oxymoron का। example में कैसे, burning eyes। अब आप देखें burning किसका sense देता है, जलने का, और eyes किसका sense दे रहा है, बर्फ का। तो जलना और बर्फ, ये दोनों अपने अपने दोनों का nature बिल्कुल contrary है, बिल्कुल opposite है। तो आइस अपोजिट किसका है, बर्निंग का, बर्निंग किसका अपोजिट है, आइस का। इट मींस हियर यू कैन सी इजीली दीज टू वर्ड्स पुट टुगेदर व्हाइल दीज टू आर जस्ट कॉन्ट्रेरी और वाइस वर्सा टू वन अनदर। अब आप देख सकते हैं इसमें दोनों वर्ड्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, और इसी प्रकार के एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे जब दो अपोजिट वर्ड्स, कॉन्ट्रेरी वर्ड्स, कॉन्ट्रेरी मीनिंग वाले वर्ड्स एक दूसरे के साथ रखे जाए, तो बिल्कुल आसानी से आप करें इसका। ये किसका एग्जांपल हो गया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। इसी प्रकार से सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं काइंड क्रुएलिटी। काइंड मींस जो दयालु हो, और क्रुएलिटी मींस निर्दयता। दयालुता मींस दयालु, और निर्दयता दोनों ही अपोजिट वर्ड है अपने आप में, काइंड और क्रुएलिटी। अब ये काइंड क्रुएलिटी किसके लिए गया, किसके लिए लिया गया है यूज, काइंड क्रुएलिटी यू कैन से इट इज यूज्ड फॉर द सर्जन्स नाइफ। Means, जो आपका सर्जरी करने वाला जो सर्जन होता है, उसका जो नाइफ है वो क्रुएलिटी रखता है, बट वो कार्य क्या कर रहा है, वो दयालुता का कार्य ही कर रहा है। इट मींस यहां आप देख सकते हैं काइंड और क्रुएलिटी दोनों अपने आप में अपोजिट वर्ड है। काइंड का अपोजिट हो गया क्रूअल, क्रूअल का अपोजिट हो गया आपके काइंड, और यहां दोनों अपोजिट वर्ड्स यूज किए गए हैं, देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए अनदर ऑक्सीमोरॉन। इसी प्रकार से फोर्थ वन एग्जांपल पे डिस्कस करेंगे, थर्ड वन पे क्लाइंब डाउन। क्लाइंब ऊपर चढ़ने का बता रहा है, डाउन नीचे आने का बता रहा है, तो ये दो वर्ड्स भी यहां बिल्कुल अपोजिट हो गए, इट मींस इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। इसी प्रकार से बिटर और स्वीट, बिटर कड़वे को बता रहा है, स्वीट मीठे को बता रहा है। तो इसी प्रकार से ये आपका बिल्कुल क्लियर है ऑक्सीमोरॉन में। विद्यार्थियों किसी प्रकार की कोई भी गलती ना करें,
जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पे अच्छे से सीरियसली पूरी क्लास अटेंड करके पढ़ रहा है उसके लिए मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का, मैं उसको पूरा विश्वास दिलाता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ग्रामेटिकल और लिटरेचर पोर्शन में नहीं हो सकती। अब अपने स्तर पे एक बार इसका एक्सरसाइज जरूर करें। अब इसमें आप देखें ये चारों मैंने एग्जाम्पल बता दिया आपको, वो करते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन इज सिनेक डकी। सिनेक डकी इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैनर में मैंने क्लियर कर दिया है। सिनेक डकी क्या है? When part is used to present the whole and when whole is used to present the part, means किसी चीज का whole part किसको बताए? Whole जो part है वो उसके छोटे part को बताए और part जो है वो whole को बताए। यहां आपका बिल्कुल short and sweet term में मैंने clear किया है। आप फिर से देखें, जब हम किसी भी sentence में किसी भी statement में part को use करें whole के लिए और whole को use करें part के लिए, then this is an example of synecdoche। example dekhiye aap isme, first one, two eyes are watching everyone, means do aankhein pratyek vyakti ko dekh rahi hai। ab yahan two eyes kisko bata rahi hai? two eyes bata rahi hai, refer kar rahi hai god ko, means god jo hai wo pratyek vyakti ko dekh raha hai। to part ko use kiya gaya hai two eyes ko god ke liye aur yahan god ho gaya whole aur whole ko use kiya gaya hai part ke liye। ye aapka ho gaya part, ye ho gaya aapka whole। When part is used to present the whole and when the whole is used to present the part, then this is an example of a synecdoche। आप अच्छे से बिल्कुल इसमें concept आपका clear है, फिर भी कोई doubt हो तो comment section में पूछ सकते हैं। Next one, India have defeated Pak by 5 runs। अब इसमें आप देखें India और Pak। अब India वो कह रहा है कि India have defeated Pak by 5 runs, means India जो है वो पाकिस्तान की टीम को 5 रनों से हरा चुकी है। अब यहां इंडिया के 11 मेंबर 11 प्लेयर्स आप कह सकते हैं और पाक के 11 प्लेयर्स। अब यहां इंडिया के 11 प्लेयर्स को बताने के लिए हमने किसको यूज किया? ओनली वन वर्ड इंडिया। और यहां पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स को बताने के लिए हमने कौन से वर्ड को यूज लिया? ओनली पाक। मींस यहां होल जो है 11 उसको बता रहा है आपके वन वर्ड जो कि पार्ट के रूप में है इंडिया, और यहां अगर बात करें होल जो कि पाक वर्ड है और ये बता रहा है इसके सॉरी ये आपका जो पाक वर्ड है ये आपका हो गया पार्ट और ये किसको बता रहा है? इसके होल 11 प्लेयर्स को बता रहा है। तो यहां इंडिया वर्ड क्या हो गया? पार्ट। और 11 प्लेयर्स क्या हो गए? होल। 11 प्लेयर्स क्या हो गए? होल। और पाक क्या हो गया? आपके पार्ट। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कि पार्ट को यूज किया गया होल को बताने के लिए और होल को यूज किया गया पार्ट को बताने के लिए। देन दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए सिनेकडकी। आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर ले, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है सारे। और नेक्स्ट वन, द हैंड्स ऑफ दिस कंपनी आर वेरी स्ट्रांग। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है विद्यार्थियों, अच्छे से समझे इसको भी। द हैंड्स ऑफ दिस कंपनी आर वेरी स्ट्रांग। अब यहां हैंड्स वर्ड है वो किसको बता रहा है, किसको शो कर रहा है, किसको प्रेजेंट कर रहा है? मींस इस कंपनी के हाथ बहुत स्ट्रांग हैं। यहां हैंड्स किसको बता रहा है? हैंड्स यहां बता रहा है आपके वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी, वर्कर्स ऑफ दिस कंपनी। तो ये पार्ट यूज किया गया है होल को बताने के लिए और वर्कर्स को शो करने के लिए बता सकते हैं हैंड्स। मींस पार्ट इज यूज्ड टू शो होल एंड होल इज यूज्ड टू शो पार्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सिनेकडकी। इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर ले, जब पार्ट को यूज किया जाए किसी वर्ड ऐसा वर्ड जो पार्ट को बताए होल के लिए, होल बताए पार्ट को, देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिनेकडकी। एग्जांपल से अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं, अपने स्तर पे एक्सरसाइज भी जरूर कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल वही लिखूंगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन आपका अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, नेक्स्ट वन है ऑनोमेटोपोइया एंड इट इज आल्सो नोन एज ऑनोमेटोपिए। इसके दो प्रोनंसिएशन है ऑनोमेटोपोइया और ऑनोमेटोपिए, दोनों ही एग्जांपल आप यहां इसको दोनों ही प्रोनंसिएशन है, जिसे भी क्लियर कर लें। अब मूव करते हैं इसके डेफिनेशन और देन वी विल मूव फॉर द एग्जांपल्स। ऑनोमेटोपिए और ऑनोमेटोपोइया, वर्ड्स विच रिप्रेजेंट साउंड। बिल्कुल सिंपल है, ऐसे शब्द जो कि किसको रिप्रेजेंट करे? साउंड को रिप्रेजेंट करे। साउंड को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड जो है वो इस फिगर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में आएंगे। इसमें तो आपको किसी प्रकार का कोई भी
प्रॉब्लम कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। याद रखने के लिए बिल्कुल आसान ट्रिक आपको बता रहा हूं विद्यार्थियों, यहां ओ आप देख सकते हैं, ओ से क्या बना, ओ से बना आपके ओनोमेटोपिया या ओनोमेटोपोइया। यह आप अच्छे से क्लियर कर ले, यहाँ किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ऐसे वर्ड्स जो कि साउंड को रेफर करें, साउंड को रेफर करने वाले वर्ड को आपको उसमें कैटेगरी में काउंट करोगे फिगर ऑफ स्पीच की ओनोमेटोपिया में। अब इसी का अलग तरीके से इसको मेक और इसका डेफिनेशन देख सकते हैं, साउंडिंग और बजिंग वर्ड्स। साउंडिंग और बजिंग वर्ड्स जो है, साउंड या बस को बताने वाले जो भी वर्ड है वो भी स्पीकर ऑफ स्पीच की कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे। एग्जाम्पल में मूव करेंगे, जैसे कि वर्ड को साउंड को बताने वाला वर्ड आप देखें, हिस, फिस, ट्रिन, हस, कू, तो इस प्रकार के जो भी वर्ड्स हैं जो कि साउंडिंग वर्ड्स हैं और बजिंग वर्ड्स हैं वो सब आपके जो काउंट होंगे वो होंगे ओनोमेटोपिया कैटेगरी में। तो ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिगर्स ऑफ स्पीच थे। इसमें आपके सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड दोनों के मैं कॉमन टॉपिक ही दे रहा हूं विद्यार्थियों। सेकंड ग्रेड में फिगर ऑफ स्पीच इसके अलावा कौन सा है वो भी मैं कंफर्म करके अगर कोई शेष रह गया तो वो भी आपको डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके इस लिटरेरी फॉर्म्स में, हम वो करेंगे इसके बाद लिटरेरी फॉर्म, इसमें लिटरेरी फॉर्म से वो करेंगे क्योंकि लिटरेरी टर्म में हमने फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे लिटरेरी फॉर्म्स पे। यहाँ कंप्लीट आपके 8 फिगर ऑफ स्पीच मेरी इस पे टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे आपको इजीली अवेलेबल है। अच्छे से क्लियर करें, एक्सरसाइज करें और मैं पक्का विश्वास दिला रहा हूँ यहाँ स्टडी करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है विद्यार्थियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।